बेटा नहरा, आज तुम्हारी फ्रेंड बता रही थी कि तुमने आज निधि के साथ लड़ाई की है, गरीब और अमीर में फर्क कर कर। हाँ मैंने किया था। मगर क्यों? क्योंकि वह गरीब और मैं अमीर हूँ, मैं चाहे उसे जो भी कह दूँ। अच्छा, वो गरीब है और तुम अमीर हो तो उसे कुछ भी कह दोगी। क्योंकि वह मुझसे बहुत जबान लड़ाती है और हर चीज में मुझसे आगे रहने की कोशिश करती है। कहती है ये लाऊंगी वो लाऊंगी, लेकिन लाती कुछ नहीं है, सिर्फ देखने को कह दो। हाँ तो उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो हर चीज लाए, और आइंदा से मुझे कोई ऐसी बात सुनने को मिली तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। क्या हो गया? ये देखो, स्कूल में लड़ाई कर कर आई है निधि से, गरीब और अमीर में फर्क कर कर। तो क्या हो गया इसमें? सही तो ही किया उसने, ये गरीब बहुत जबान चलाते हैं। सही किया इसने। आपको उसे सीख देने के बजाय आप उसका साथ दे रहे हैं। उसने सही किया तो मैं उसका साथ दे रहा हूँ। कौन समझाएंगे? पापा मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया बेटा। निधि की मम्मी नायरा के घर में काम करती थी। एक दिन निधि भी अपनी मम्मी के साथ नायरा के घर अपनी मम्मी का हाथ बटाने के लिए आई। वो दोनों वहां पर काम कर रहे थे, तभी नायरा वहां पर आई और नायरा ने निधि को देखा। निधि आ गई, मैं आज इसे अपने खिलौने देकर जलाऊंगी। निधि ने नायरा को देखा और सोचा मैं इसके साथ खेल लेती हूँ थोड़ी देर। मैं चलो आज नायरा के साथ खेल लेती हूँ। नायरा आगे आगे गई और निधि पीछे पीछे आई। अरे ये तो निधि जा रही है, चलो इसको बुलाती हूँ। निधि सुनो यहाँ आओ। तो क्या ये मेरा कमरा है तो अच्छा, नहीं तो क्या खराब होगा तुम्हारे कमरे जैसा। वैसे तुम जैसे गरीबों का कमरा होता कैसा होगा? ओफो, मेरा कमरा देखो। वैसे तुम्हारे पास तो कोई टॉय भी नहीं होगा। तुम्हारे पास कैसे टॉय होगा? ये देखो, ये टेडी बियर है, मेरे पापा अमेरिका से लाए थे, बहुत महंगा टेडी बियर है। वैसे तुम्हारे पास कहाँ से होगा? ये देखो, ये डॉल मेरी मम्मा पता कहाँ से लाई थी? यूरोप से। अरे इसको छोड़ो, तुम्हारे पास तो एक डंकी ईयर बैंड भी नहीं होगी। वह इसी तरह अपनी हर चीजें उसको दिखाती रही और उसे शर्मिंदा करती रही। देखा मेरे सारे टॉयज और मेरी स्टेशनरीज कितने अच्छे अच्छे हैं। वैसे तुम्हारे पास तो इतने अच्छे अच्छे कुछ भी नहीं होगा। फिर निधि वहाँ से जाने लगी। एक दिन वो सभी पार्क घूमने आए और वहाँ पर निधि की भी फैमिली पहुँच गई, क्योंकि क्रिसमस था इसलिए वो सब घूमने आए थे। ये अमन का गरीब परिवार कैसे आ गया? क्रिसमस आने वाला है, शायद घूमने आएंगे। लेकिन इनके पास इतने पैसे थोड़ी है कि ये इस पार्क का पैसा दे पाए। ये गरीब है, इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास पैसे ही नहीं है। चलो भाई यहाँ से। पापा मुझे उस झूले में झूला ढूंढना है। ठीक है तुम झूलो, हम लोग जाते हैं। पापा मैं यहाँ पर झूला झूलूं, फिर मैं अभी आती हूँ। ठीक है बेटा।
वो सब खेल रहे थे तभी निधि ने देखा कि नायरा की तरफ एक सांप आ रहा है। नायरा ने उसे नहीं देखा। निधि ने देखा झूले पर एक डंडी रखी थी। तुम ठीक तो हो ना नायरा? हाँ मैं ठीक हूँ निधि, थैंक यू। और उसने उस सांप को उठाकर दूर फेंक दिया और तभी दोनों के माँ बाप आ गए। क्या हुआ नायरा, तुम चीखी क्यों? बोलो निधि बेटा। माँ वो एक सांप नायरा को काटने वाला था और इसलिए नायरा चीखी, लेकिन उसने उसे काटा नहीं, मैंने उसे दूर फेंक दिया। तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं पापा। निधि बेटा तुम्हें? नहीं अंकल। निधि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? नहीं माँ। मुझे माफ कर दो निधि बेटा, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया, गरीब और अमीर में फर्क कर, लेकिन असलियत तो ये है कि तुम सब मन के अमीर हो और सब हम सब मन के गरीब हैं। मुझे माफ कर दो। नहीं अंकल, आप मुझसे माफी मत मांगो। मुझे माफ कर दो निधि, मैं भी अपने महंगे खिलौने दिखा दिखा कर तुम्हें चलाती रहती थी और स्कूल में भी। कोई बात नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगो। अब सबने गलती मंजूर ही कर ली है तो क्यों ना हम सब कल की क्रिसमस पार्टी एक साथ मनाएं? बोलिए सविता जी। जी हाँ बताइए। ठीक है। और फिर उन सब ने मिलकर क्रिसमस पार्टी मनाई। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर शेयर कर देना, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना और इस वीडियो को दिल से लाइक करना सब्सक्राइब। और हमें कभी भी गरीब और अमीर में फर्क नहीं करना चाहिए, केवल और केवल इंसानियत दिखानी चाहिए। और हमारे नए नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और हमारे न्यू वीडियोस आप तक पहुंचते रहेंगे। बाय बाय।